मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी व्याकरण का अध्याय 16 पत्र लेखन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बच्चों पत्र लेखन के बारे में। पत्र किसे कहते हैं? जैसा कि आज आधुनिक युग में संचार के अनेक साधन आ गए हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह, इससे हम क्या होता है बच्चों, फैक्स मशीन वगैरह, ऐसे अनेक साधन है जिसके द्वारा हमारे पास बहुत ही मिनटों में, कुछ सेकंड में पहुंच जाती है। जब हम किसी और से बात करनी होती है, हमें कोई मैसेज भेजना होता है, तो मिनटों में हमारी बात हो जाती है। लेकिन पहले के समय में और आज तक भी पत्रों का महत्व खत्म नहीं हुआ है। पत्र जो लेटर होते हैं बच्चों, वे क्या होते हैं? पत्र लेखन का वह साधन है, पत्र वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को अपने सगे संबंधियों तक, अनेक प्रकार के कार्यालय, ऑफिस वगैरह तक हम अपनी बात को, अपने मैसेज को हमें पहुंचा सकते हैं। देखिए बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक पत्र, और दूसरे तरीके के पत्र होते हैं अनौपचारिक। देखो बच्चों, औपचारिक पत्र जो होते हैं वह तो किसी कार्यालय वगैरह, जैसे ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह में जो पत्र भेजे जाते हैं, जो लेटर भेजे जाते हैं, प्रार्थना पत्र भेजे जाते हैं, जैसे आपको लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना होता है, तो वह कैसे पत्र कहलाएंगे? औपचारिक पत्र। और एक दूसरे तरीके के पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, हमारे मित्र, फ्रेंड्स वगैरह को जब हम पत्र लिखते हैं, जैसे आपको आपके बर्थडे पर किसी को इनवाइट करने के लिए, आपके मित्र को इनवाइट करने के लिए आपको लेटर लिखना है, तो वह पत्र किसमें आएंगे? अनौपचारिक पत्र। इन दोनों पत्रों में बच्चों अंतर होता है, औपचारिक पत्र में और अनौपचारिक पत्र में। क्या अंतर होता है बच्चों? औपचारिक पत्र की जो भाषा वगैरह का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जबकि अनौपचारिक पत्र होते हैं वह हमारे मित्र संबंधियों के पास जाते हैं, इसीलिए हमें उसकी भाषा वगैरह का इतना अधिक ध्यान नहीं रखना पड़ता। इनमें संबोधन का भी फर्क होता है, जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं उनका भी अंतर होता है बच्चों। जैसे इन पत्रों में और अधिक किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आज हम यही पढ़ेंगे। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों? पत्र की भाषा बिल्कुल भी सरल होनी चाहिए, अर्थात जो हम जिसको पत्र भेज रहे हैं वह सामने वाले को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, जो पत्र के जो वाक्य सेंटेंस होते हैं बच्चों वे कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। पत्र साफ साफ लिखा जाए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। जो लेटर पत्र है वह साफ साफ राइटिंग में लिखा होना चाहिए ताकि जिसे पत्र भेजा जा रहा है वह भी उसे साफ से पढ़ सके। बात को कम से कम शब्दों में कहा जाना चाहिए। पत्र में हम जिस विषय पे पत्र लिख रहे हैं, जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं पत्र में, वे अच्छी तरह से कम शब्दों में सामने वाले को समझ में आ जाए, अर्थात कम से कम शब्दों में पत्र को लिखने का प्रयास करना चाहिए। पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए उचित अभिवादन और संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं, जैसे अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रिय मित्र का नाम लेकर। उसी प्रकार यदि हम अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो उसे क्या संबोधित करेंगे? प्रधानाचार्य, श्रीमान, महोदय, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इनमें संबोधन और अभिवादन के लिए अनेक शब्दों का, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके पद के अनुसार। बच्चों यह हम देखेंगे। औपचारिक पत्र देखिए, सबसे पहले आपके बुक में पेज नंबर 69 पर, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। आप बीमार हैं और आपको छुट्टी लेने के लिए, अवकाश लेने के लिए अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना पड़ रहा है, तो आप वो पत्र कैसे लिखेंगे? बच्चों इनका फॉर्मेट होता है, जैसे सबसे पहले तो आपको ऊपर प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में
सेवा में प्रधानाचार्य महोदय फिर इसके नीचे आपके स्कूल का नेम, जैसे आपके लिटिल जीनियस लिटिल फ्लावर स्कूल, तो वो आप अपने स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद आप वहाँ किस स्थान से पत्र लिखते हैं वो आ जाएगी एड्रेस आपकी। उसके बाद दिनांक, फिर संबोधन आएगा बच्चों, जैसे आप महोदय प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखते हैं तो उनके लिए महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों, पेज नंबर 70, निवेदन यह है कि, उनसे निवेदन करेंगे, निवेदन यह है कि कल विद्यालय से लौटते समय तेज बारिश हो रही थी, अर्थात आप कारण बताएंगे कि आप किस लिए बीमार है। तेज बारिश हो रही थी जिसमें मैं भी गया और मुझे तेज बुखार हो गया। कि आप जो अवकाश ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, वो किस कारण से ले रहे हैं, आप किस रोग से पीड़ित हैं, आप उसके विषय में लिखेंगे। डॉक्टर ने 3 दिन तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं, जैसे कि इस पत्र में लिखा गया है, 26 से 28 फरवरी तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अर्थात आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की, 3 दिन की या 1 दिन की, उसके बारे में आप अपने दिनांक लिखकर उतने दिन की अवकाश लेंगे। कृपा करके मुझे इन 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। इस पत्र में बच्चों 3 दिन के अवकाश की प्रार्थना की गई है कि वह 3 दिन का अवकाश लेना चाहता है। उसके बाद धन्यवाद, अभिवादन, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, नाम के बाद अपनी कक्षा, कक्षा का सेक्शन है वो लिखेंगे कि आप रोज के हैं या लोटस के, और अपना रोल नंबर। इस प्रकार बच्चों आपने देखा पत्र को फॉर्मेटेड रूप में, किस रूप में लिखना है पत्र। दूसरा ये अनौपचारिक पत्र देखिए बच्चों, जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करते हुए निमंत्रण पत्र। आपको अपने बर्थडे पर, जन्मदिन पर अपने मित्र फ्रेंड को आमंत्रित, उसको इनवाइट करना है और आपको वो इनविटेशन लेटर भेजना है। सबसे पहले तो एड्रेस, स्थान का नाम, फिर आपकी दिनांक, कब लिख रहे हैं ये पत्र, फिर इसको संबोधन, जैसे अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय, उसके बाद उस मित्र का नाम, सर स्नेह से अभिवादन करेंगे, सर स्नेह करते मतलब प्यार से, प्यार सहित, फिर लिखेंगे आप तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस गुरुवार को मेरे माता पिता मेरा जन्मदिन समारोह घर पर ही मना रहे हैं। आप अपने पत्र में लिखेंगे, अपने मित्र को बताएंगे कि आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, वह कहाँ मनाया जा रहा है, मैं इस अवसर पर तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, और आप उस अवसर पर, अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं। तुम्हारे आने से मेरे जन्मदिन की खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। आप उसे बताएंगे कि आपके आने से, उसके आने से आपको कितनी खुशी मिलेगी, आशा है कि तुम अवश्य आओगे, और अंत से कहोगे कि आप आशा करते हो कि आई हो आप, और मतलब आप अवश्य ही आओगे इसके बर्थडे पर। अंत में तुम्हारा मित्र, फिर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों आपने देखा अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, इन दोनों पत्रों में क्या क्या